पिछवाड़ से बड़ी खबर, जहां पर भौती थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है। पारिवारिक विवाद के चलते देवर ने अपने लड़के के साथ भाभी और भतीजे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस घटना में भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, भतीजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को शिवपुरी रेफर किया गया है। थाने से 500 मीटर की दूरी पर घटना को अंजाम दिया गया। पारिवारिक विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला मंजू भार्गव की उम्र 45 साल बताई जा रही है, जिसकी मौत हो गई। बेटा गिरिराज घायल हुआ है, जिसे शिवपुरी रेफर किया गया है और पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मेरी विधवा बहन भौती में रहती थी और उसके अपने परिवार के साथ दो बेटे एक बेटी थे। उनका देवर जरा सी कोई आगे मकान के आगे थोड़ा कोई निर्माण कर रहे होंगे, थोड़ी बात पे कहा सुनी हुई, इस कारण से उसने हमला बोल दिया राजू भार्गव ने। और मेरी बहन को मुझे फोन पर सूचना मिली कि मरणासन हो गई है और मेरा भांजा जिला अस्पताल सीपरी इलाज के लिए ले आया हूँ। सूचना मिली है ज़्यादातर कि मतलब ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मुझे बताया। अभी मैंने स्थिति पहुँच के देखूँ, बहन का नाम है मंजुलता भार्गव, भांजा जो अभी घायल है उसका नाम है गिरिराज भार्गव, एक भांजा मेरा भाग गया अभी, मतलब अपनी जान बचा करके उसका नाम है विनय भार्गव। आरोपी उनका नाम क्या है? आरोपी राजू भार्गव और उसका बेटा, उसका नाम मुझे अभी पता नहीं है क्योंकि मैं भार्गव। बहुत ही कसूर में आज राजू भार्गव द्वारा अपनी भाभी का मर्डर किया गया है। भतीजे जो विनय है, विनय ने थाने पर आकर इसमें एफआईआर करवाई। इसमें बका और कुल्हाड़ी लेकर राजू भार्गव व उसके लड़के राधा शरण ने विनय पर हमला किया था। विनय बचकर भागा तो उसके पीछे उसकी माँ उसको बचाने आई तो माँ के सिर में बका मारती है, जिससे वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। एक अन्य भाई गिरिराज जो था उस पर भी प्राणघातक हमला किया है और हमला करने के बाद उसको गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया है। उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दे दिया। आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो गया।